मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नए साल के जश्न पर शराब पीने वालों की खैर नहीं, कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर दिए चेतावनी। नए साल की अगवानी के जश्न में 31 दिसंबर की रात में कानपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को ज्वाइंट कमिश्नर ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रात में सड़क पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों को रात में घर नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें हॉस्पिटल या थाने में रात गुजारनी होगी। ये सुबह नशा उतर जाने पर ही पुलिस उनको घर जाने की इजाजत देगी। दरअसल कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने नए साल की अगवानी में होटल, क्लब या घरों में जश्न मनाने वालों की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रात में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग के लिए रात पर सड़कों पर हमारी पुलिस टीम ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग के लिए मौजूद रहेगी। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आगे कहा, उस दौरान अगर उस समय कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मिलेगा तो उस समय घर नहीं जाने दिया जाएगा, उस समय उसका व्यवस्था हॉस्पिटल या थाने में करेंगे, फिर उसको चालान करेंगे। नए साल का जश्न मनाना सबका हक है, सबको नए साल का जश्न मनाने की छूट है, लेकिन सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाना इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नशा उतारने पर ही घर जाने की दी जाएगी इजाज़त, उसके लिए उनके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह गानी कानपुर में अगर शराब पीकर आधी रात को जश्न मना के गाड़ी चलाते हुए पुलिस के पकड़ में आए तो शराब पीने वालों को रात थाने में गुजारनी या हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ेगी, कम से कम वह घर तो नहीं जा पाएंगे। सुबह नशा उतारते ही पुलिस उनको घर जाने की इजाजत देगी, साथ ही उसका चालान भी करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।